यहाँ पर आया हूँ। बाबा बसंत सिंह का जो डेरा है जौड़ पिंड में पड़ता है ये, और आज मैं दर्शन करने आया हूँ बाबा दीप सिंह के वहाँ, और बहुत मैं इससे प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस हूँ कि भाई आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन हुआ है, जो हमारे जो एक सिख कौम ऐसी है जो भूखे को रोटी दे रही है। सो मैं भी अपने ओर से भी, और जैसे आजकल बोलते हैं कि भी पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का थैंक्स कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसके साथ हम एक जो समाज सेवा है, और स्पेशली जो हमारे सिख कौम है, जो जब जब हमारे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी आफत आती है तो सबसे आगे होते हैं हमारे सिख भाई, सिख कौम, और वो ये नहीं देखते उनकी जात क्या है, वो कहाँ से है, गरीब है या अमीर है। गुरु घर में हर किसी को 24 घंटे लंगर खुला है। सो ये बहुत बड़ी एक तारीफ के लायक है। जैसे आप देखते हैं कि भी पूरे हिंदू पूरे वर्ल्ड में, यूएसए में देखते हैं आप, यूएसए में कितने हजारों लोगों की जाने गई है, जो बहुत बड़ा एक शक्तिशाली देश है, वहाँ पर इतनी जाने गई है। और सबसे अच्छी हिंदुस्तान में क्या चीज़ है कि भी एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, ये सबसे अच्छी प्लस चीज़ है। मतलब और अगर मतलब यहाँ पर देखिए कि जितने लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग हमारे हिंदुस्तान में भूख से मर रहे हैं। और जो अगर जब भूख की बात आती है, जो सबसे आगे सेवा में आते हैं, वो आते हैं सिख कौम। क्योंकि मेरे को मैं सभी से ही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि उतने मेरे को पंजाबी नहीं आती, आप मेरी भाषा और प्रॉब्लम समझते होंगे सारे लोग। लेकिन मेरी भावना ज़रूर समझनी, क्योंकि मैंने सबने देखा इतने लोग, जब मैं आज कुछ लोगों से मिला, मैं जो गरीब लोग हैं, तो उनको बता भी रोटी कहाँ से आती है, तो उनने बताया कि हमारे को गुरुद्वारे से आती है रोटी, तो कितनी बड़ी बात है। तो मेरा उसी टाइम दिल किया कि मैंने कहा एक बार में जो हमारे, क्योंकि मैं जौड़ पे रहता हूँ और जो अभी जौड़ पे रह रहा हूँ, मैंने कहा जो अपने संत है, दीप सिंह संत है यहाँ पर, महापुरुष है, उनका मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ, और उनके दर्शन भी होंगे उस महीने, और उनका थैंक्स भी करता हूँ कि जो गरीब लोगों को, जो गरीब तबके के लोगों को रोटी दे रहे, तो मैं बाबा जी का बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं चाहूँगी दो शब्द बोले बाबा जी आप। अज साढ़े को दलीप सिंह खाली पहुँचे आ, जो उन्होंने अपने मन की भावना प्रगटाई है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले सिख कौम है, सिख धर्म के अनुयायी जो जितने भी बंदे हैं, एक बहुत बड़ा परोपकार कर रहे हैं, पिछे भी करते आए हैं, हुण भी कर रहे हैं। हजारा भुखे लोगों को उन्हें बोलिया भी रोटी खिला रहे हैं। अमरीका एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है, जिसे किन्ने हजारों लोगों को सिख लोग गुरुद्वारे से लंगर तैयार करके पैक करके भेज रहे हैं। इस तरह जिन्हें भी सिख धर्म दिया संप्रदावान जथेबंदियाँ सुसाइटियाँ सभी लोग आपो अपनी बेहतर अनुसार गरीबों की मदद कर रहे हैं, भुखे को लंगर दे रहे हैं। ये स्थान श्रीमान 108 संत बाबा बसंत सिंह जी निर्मल कुटिया जौला विखे, जिथे ये दलीप सिंह खली पहुँचे आ, महापुरशां दे स्थान पर भी लंगर बताया गया। हुण भी
इन्हों की बार बार यही भावना भी असी सारे लोगों को धन्यवाद करते हैं और सब तो ज़्यादा कि धन्यवाद जो सिख धर्म का करिए सिख लोगों का करिए बहुत अच्छी लगती है क्यों कोई भी आफत आती है वो नहीं देखते गरीब है वो नहीं देखते अमीर है ये किसी तबके का बंदा है ये किसी श्रेणी के रहने वाला बंदा है सबको बराबर खाने को खाना देते हैं ये एक बहुत इन्होंने मन की वड्डी भावना लैके पहुँचे आ जो इन्होंने मन की भावना हिंदी च बोली है नहीं ये सारे समझ सकोगे कि जिन्होंने सिख धर्म के वास्ते बहुत एक वड्डी अरदास भी की है कि मैं परमात्मा के अगर अरदास करता कि सिख लोग इस तरह गरीब गुरबे की मदद करते रहन ते परमेश्वर के नाम जुड़े रहन जो साहेब गुरु नानक साहब तो लैके धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक उपरंत धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज मेहर कर रहे हैं बेअंत जथेबंदियां गुरु ग्रंथ साहब के ताबिया हो करके आपो अपनी सेवा निभा रही हैं महाराज कृपा कर दुनिया की शांति वर्तन बहुत चंगा नहीं बोलिया गुरदीप सिंह खड़ी ने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने मतलब बड़े जो मेरे लिए शब्द बोले बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को और मैं फिर से एक बार आपको कोटि कोटि प्रणाम और सारे सिख कौम भाइयों को भी मेरा प्रणाम क्योंकि वाहेगुरु आप पर ऐसी मतलब शक्ति बना के रखे ऐसा ही मतलब एक सेवा भाव रखे मन पे ताकि मतलब जो हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं जो आजकल भूखे मर रहे हैं ताकि आप उन तक मतलब आप खाना पहुंचा सके और सभी मेरे हिंदुस्तानी जितने भी मेरे हिंदुस्तानी मेरे दोस्त मित्र मेरे फैन सभी को मेरी एक ही मतलब गुजारिश है एक ही निवेदन है कि सभी लोग इस वीडियो को शेयर करो और जितने भी अपने मतलब कोई गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जो भी कोई मतलब ऐसे सेवा कर रहे हैं उनका धन्यवाद करो और उनका शुक्रिया करो। और मैं दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि भी आज मैं पहली बार आया हूँ गुरुद्वारे में यहाँ पर मैं और क्योंकि मेरा पहली वीडियो है और वीडियो आप बहुत सारी देखते रहते थे और ये बहुत ही सीरियस वीडियो है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको शेयर करें ताकि मतलब हर व्यक्ति तक पहुँचे सरकार तक पहुँचे और गरीब तक पहुँचे। अगर कोई आप भूखा है आप ये मत सोचना कि भी मतलब कोई मतलब मेरा सहारा नहीं, आप कहीं से भी किधर से भी आपका ना धर्म पूछता है ना जात पूछते हैं, आप आइए और आप लंगर छके खाना खाइए और आप अपने इस पर वापस जाइए और गुरुद्वारा 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है, सिख कौम सबसे आगे है और मैं परमात्मा से ही एक अरदास करता हूँ कि और शक्ति दे और उन पर एक बल दे ताकि मतलब हमारे गरीब भाइयों की सेवा हो सके। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।